सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बहाने बनाना छोड़ो, काम करो। आलस आता है तो जल्दी सोया करो। शरीर ठीक नहीं है तो एक्सरसाइज किया करो। टाइम नहीं है तो फालतू काम मत करो। नॉलेज नहीं है तो किताबें पढ़ो। पैसा नहीं है तो खर्च कम और कमाना सीखो। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। दीपक गरीब के घर में जले या अमीर के घर में, हर जगह एक समान प्रकाश देता है। आज का पंचांग 6 नवंबर 2021, दिन शनिवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि, सम 7:44 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 11:38 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:24 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई के तिलक के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 8:10 से 9:22 तक रहेगा। दोपहर का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:19 से शाम 7:27 तक रहेगा। लाभ और अमृत के चौघड़िया रहेंगे। मिथुन राशि 6 नवंबर 2021, दिन शनिवार, अतीत की व्यस्त गतिविधियों के बाद आज के दिन शांतिपूर्ण बीतेगा। यह शांति भरे क्षण आपके लिए फायदेमंद है। आज काम में शानदार प्रदर्शन करने के साथ साथ हर काम समय पर पूरा करेंगे। सब कुछ खोने में हमारी हार नहीं है, बल्कि असली हार है उस उम्मीद को खोने में जिनके दम पर हम सब कुछ पा सकते हैं। आज परिवार संबंधित किसी समस्या को सुलझाने में आपका विशेष ध्यान रहेगा और सफल भी होंगे। रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर आज कुछ समय अपने लिए भी व्यतीत करें। इससे आप अपने अंदर दोबारा नई ऊर्जा और ताजगी महसूस करेंगे। धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भी कुछ योगदान अवश्य दें। अचानक से परिस्थिति में बदलाव आ सकते हैं, इसकी वजह से शुरुआत में आनंद महसूस होगा, लेकिन परिस्थिति का अवलोकन ठीक से न होने की वजह से पछतावा हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार सोच समझ कर दें। लोगों के आपके लिए गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए अपना व्यवहार ठीक करें। नए अवसर आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ सकती है, तनाव हो सकता है। पार्टनर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। थोड़ी सर्दी खांसी भी हो सकती है। सावधानियाँ, ध्यान रखें कि कोई पुराना मुद्दा उभरने से तनाव जैसा वातावरण बन सकता है। किसी नज़दीकी संबंधी के विवाहित संबंधों में अलगाव आने की वजह से चिंता रहेगी। अपने गुस्से और कटु वाणी पर नियंत्रण रखें। युवा वर्ग अपने भविष्य के प्रति ज़्यादा ध्यान दें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक संबंध मधुर भी रहेंगे। कुछ गोपनीय बैठकें, विचार विमर्श या रोमांटिक रिश्ते आज आपके कार्ड्स में हैं। आपके साथी का प्यार आपको हर संकट से मुक्ति दिलाएगा और आराम महसूस करेंगे। प्रेम के रंग को और भी गहरा करने के लिए अपनी बातचीत के कौशल का प्रयोग करें। आज अपनी सेहत को भी अनदेखा ना करें। पति पत्नी आपसी सहयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी बनाएंगे तथा घर में अनुशासनपूर्ण वातावरण भी रहेगा। बात करते हैं करियर की। पिछले दिनों की तुलना में आज का दिन शांत रहेगा। एक रोमांटिक गठबंधन की भी संभावना है। आज काम की तरफ अधिक ध्यान दें। अपने परिवार के साथ समय बिताएं। परिवार में से किसी को
स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए डॉक्टर से मिले। याद रखें, जीतना सब कुछ नहीं है बल्कि जीतने का प्रयास करना सब कुछ है। मशीनरी कारखानों से संबंधित बिजनेस में उपलब्धियां मिलेगी। ज़्यादातर काम फोन से हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। सरकारी कार्यकलाप के कार्यों में बहुत अधिक व्यस्तता बनी रहेगी। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। आज का उपाय, गरीबों को काले तिल का दान करें। शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।